नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नीट 2019 की काउंसलिंग जो है वो अब शुरू होने वाला है स्टेट कोटा के लिए, और ये काफ़ी सारे स्टेट ने ऑलरेडी स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी है। यह प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वह आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, और इस वीडियो में हम उसी स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सभी स्टेट का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर यह स्टेट आपके डोमिसाइल स्टेट है तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। और ध्यान रखिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का यह मतलब होता है कि एनटीए की तरफ से जो लिस्ट स्टेट को प्रोवाइड किया गया है उसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कहते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होती, तो उनको जो है स्टेट कोटा के मेरिट लिस्ट से हटाया जाता है और फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट इन स्टेट ने रिलीज़ किया है: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, कर्नाटका, केरला और मणिपुर। तो यह 9 स्टेट हैं जिन्होंने स्टेट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया है। अगर यह स्टेट आपके डोमिसाइल स्टेट है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली आपका स्टेट कोटा में रैंक कितना है नीट 2019 के 85% स्टेट कोटा के लिए। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।